हेलो चैंपियंस, कैन छो मजा मा? ओके सो बौछार अगेन फॉर यू ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एचसी वर्मा बुक. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन इज अ फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो एक फिगर दिया हुआ है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ. वी इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड. ठीक है, ये 4, ये 8, 12 और टाइम 1, 2, 3 ये हो गया 0. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. एक स्लोप ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो एक स्लोप के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप के इक्वल होता है ना. जब भी हम क्या करते हैं, एक स्लोप ड्रॉ करते हैं वीटी ग्राफ में, तो जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है ना. तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बच्चों हमको. तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगा. स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, बेस कितना है 3. तो 3 बन जा 3/4 जा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं कि इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 200 ग्राम, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अब मास हमको दिया हुआ है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को मैं क्या करूंगा, केजी में कन्वर्ट कर लूंगा बाय 1000 करके. ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए होता है फॉर्मूला. तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 400000 विल बी कैंसिल आउट एंड 4 2 8 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.8 न्यूटन. तो 0.8 न्यूटन का यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. ग्राफ वाले तो बहुत इजी होते हैं बच्चों क्वेश्चंस, है ना. थोड़ा सा आपको केयरफुली ग्राफ को रीड करना आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फोर्स प्रोड्यूसर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक फोर्स है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ डिस्क. एक डिस्क में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 सच डिस्क्स आर टाइट टुगेदर एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक डिस्क पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन का, है ना. एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1, है ना. तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एक डिस्क का मास कितना है M1, ठीक है, या 1 kg हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 1 kg है ना, अजम्पशन, ये अज्यूम किया हमने 1 kg. तो मैं क्या करूंगा, एज ही सेम 3 डिस्क यहाँ पे क्या करूंगा, एक दूसरे से टाइट कर दूंगा. तो M1 प्लस M2 प्लस M3 3 डिस्क हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 दैट इज 3 kg हो जाएगा. तो मास कितना हो जाएगा 3 kg, मास 3 times हो जाएगा, है ना. तो मास 3 times हो जाएगा. अगेन मैं क्या करूंगा, सेम फोर्स अप्लाई करूंगा, तब उस समय क्या बोल रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन कितना होगा वो पूछ रहे हैं. तो अभी यहां पे एक्सेलरेशन, अब यहां पे देखिए एम इंटू ए इक्वेशन 1, ये M1 A1 है ना, और ये M2 A2, ये M2 की वैल्यू लिख लेते हैं हम, या M- कर देता हूँ मैं इसको, इसको M- कर देता हूँ M-, तो ये M- और A- हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में F के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, M into A = क्या हो जाएगा, M- into A- हो जाएगा, है ना. अब A- हमको फाइंड आउट करना है, तो M into M- अपॉन क्या यहाँ पे पुट करूंगा, M into A divided by M- हो जाएगा, is equal to A- हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे M की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 1.5 और M- की वैल्यू कितनी आ गई 3.
इजिकल टू ए डैश, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा तीनों का कंबाइन एक्सलरेशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने जस्ट सॉल्यूशन लिया कि फर्स्ट एक डिस्क का मास कितना है 1 kg है, तो 3 डिस्क का जब टाइट करेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा, 3 times हो जाएगा, है ना। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 4 seconds। एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है 12 न्यूटन का फॉर टाइम 4 seconds, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो बहुत ईजी है बच्चों, जल्दी से सॉल्व कीजिए मेरे लिए। डेल पी अपॉन डेल टी फॉर्मूला होता है, तो एफ इज गिवन है 12, डेल पी फाइंड आउट करना है, डेल टी गिवन है हमको 4 seconds, तो 4 क्या हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 फोर का कितना होता है 48 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल पी। क्लियर है बच्चों? 48 kg मीटर पर सेकेंड इसका डेल पी आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली फॉल वर्टिकली। दो पार्टिकल हैं, m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम, तो 10 ग्राम रहने देते हैं इसको, और m2 इज इक्वल टू 20 ग्राम, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, फॉल हो रहे हैं, वर्टिकली फॉल हो रहे हैं। एट अ गिवन टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल ए इज 12 मीटर पर सेकेंड, तो पार्टिकल ए की स्पीड गिवन है हमको कितनी, यू ए इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एंड दैट ऑफ बी इज 15 मीटर पर सेकेंड, यू बी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। अब बोल रहे कि फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स, टोटल लीनियर मोमेंटम of the system of the two particles, two particles का हमको क्या करना है total linear momentum find out करना है। तो total linear momentum कैसे find out करेंगे, total linear momentum हम यहाँ पे ऐसे क्या find out करेंगे कि m1 u1 इसको u1 ले लेते हैं, u2 ले लेते हैं, तो m2 u2 ये हमारा total linear momentum हो गया। तो m1 की value कितनी हो गई 10, u1 की value कितनी है 12, इसकी 20 इंटू 15, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 300, है ना, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, रिस्पेक्टिवली फॉल वर्टिकली, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है दोनों ही, है ना। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको ऐड करो तो आपको कितना आ जाएगा 420 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब kg मीटर पर सॉरी ग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा क्योंकि ग्राम में था मास, मैं क्या करूंगा केजी में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 420 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो ये केजी में आ जाएगा। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वो हमारा कितना आ जाएगा 0.42 केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स निकालते रहिए। अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। बच्चों मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, जैसा कि मैं पहले भी लेक्चर्स में बोल चुका हूं कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में, उतना ही आपका न्यूमेरिकल और फिजिक्स की थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो आप मेरे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। ऑल द चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।